Let's start with question number 4. It says a cubical block of size 7 cm is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है that you have a cubical block and on it we have a hemisphere. ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है कि साइड कितनी है cubical block की 7 cm और उसके ऊपर हमने क्या सरमाउंट किया हुआ है वी हैव अ हेमिस्फीयर ओवर इट एंड नाउ दे आर सेइंग व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव. देखो इसकी साइड कितनी है 7 cm है ना, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता इसका डायमीटर. सो यस द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन बी 7 cm, नॉट मोर देन दैट बिकॉज the side can be 7 cm, so obviously greatest diameter will be 7 cm. Now they are saying कि find the surface area of this solid. इस पूरी complete figure का आपको क्या निकालना है surface area. तो surface area of solid कैसे निकलेगा वो हम देख लेते हैं. तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है you have to take surface area of the cube. हम सबसे पहले क्या mention करेंगे surface area of cube plus ये cube वाला part ख़त्म. उसके बाद क्या आएगा इसके अंदर ऐड क्या करेंगे हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर एंड माइनस क्या कर देंगे बेस ऑफ द हेमिस्फीयर, क्योंकि ये दो बार रिपीट हो रहा है. एक बार इसमें भी आ गया जो हमने क्यूब लिया है, क्यूब में भी सरफेस एरिया में भी आ गया, ये कंसिडर हो जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पे भी हेमिस्फीयर में भी एक बार कंसिडर हो जाएगा. तो दो बार कंसिडर हो रहा है इसलिए एक बार हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर एंड सब्ट्रैक्ट एरिया ऑफ बेस हेमिस्फीयर. अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कुछ वैल्यूज प्लेस कर लेते हैं एंड विल फाइंड द फाइनल आंसर. सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है हमारा 6a². सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा हमारा, it will be 2πr² minus area of base hemisphere which is πr². तो अब हम क्या इसमें से reduce कर सकते हैं. So you can see that 2πr² and πr² can be cancelled. So you are left with πr² only. Now you can put the values in it. 6 into side square. Side square कितना है यहाँ पे 7² plus πr², 22/7. R कितना है हमारा, इट इज़ 7/2 इन दिस केस, क्योंकि डायमीटर कितना दिया हुआ था हमें, इट वॉज 7 cm. नाउ रिड्यूसिंग द वैल्यू विल गेट 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 कैंसिल, यू विल गेट 11. 11 × 7 / 2. सो यू गेट 294 प्लस 77/2 विच इज़ 33.5. Sorry, not 33.5. It will be 38.5. Yes, adding it 294 में हमें add करना है. So it will give you 332.5 cm². So yes, this is the answer for the solid surface area. So yes, this is your answer for question number 4. Now we'll be moving to question number 5.